आप सभी का स्वागत है एक और व्लॉग में। लास्ट व्लॉग में हम गए थे अंबाजी टेंपल, अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो आई बटन में मिल जाएगा, या फिर आप इससे लास्ट वाला जो व्लॉग अपलोड था चैनल ओपन कर आप वो चेक कर सकते हैं। बाकी इन वादियों में से हम निकल गए बारिश का मौसम पूरा मानसून का लुत्फ उठाते हुए माउंट आबू की तरफ। और माउंट आबू पहुंचने के बाद सबसे पहले हमें ढूंढनी थी होटल, तो कौन से होटल में हम रुके, फैमिली फ्रेंडली होटल आपको मैं सजेस्ट कर दूंगा, वो भी रिजनेबल प्राइस पे। साथ साथ स्कूटी रेंट आपको कहाँ से करनी है, उनकी सर्विस हमारे को कैसी लगी, वो इस ब्लॉग में आपको सीरीज में पता चल जाएगा। बाकी स्कूटी का इसी ब्लॉग में मैं आपको बता दूंगा, तो ब्लॉग में जरूर से बने रहिएगा। तो भाई ये अभी हमारा रूम है, गुजराती होटल है, फैमिली फ्रेंडली। अगर आप कोई रूम देख रहे हो यहाँ पर माउंट आबू में तो ये होटल ठीक है और रूम भी ठीक था। अभी बाहर जाएंगे अपन, और अभी अपन को पहले तो कुछ खाना है, तो यहाँ पास ही में डोमिनोज है, वहाँ पर कुछ खाएंगे, फिर अपन निकलेंगे बाइक रेंटल। और बारिश अभी भी बराबर हो रही है, तो बारिश का मौसम तो यहाँ रेगुलरली चल ही रहा है भाई। और इस रूम का रेंट अभी वीकडेज है, मतलब हॉलीडेज नहीं है, मतलब वीकेंड्स नहीं है, तो हमारे को 1100 रुपये पड़ा है, 1200 बोलते हैं, बार्गेन करो तो उतना चलता है। बाकी ये मेन रोड पे ही होटल है, नक्की लेक के आधे पास में ही है। बाकी चलो देख लो भाई बारिश। हाँ तो अभी देखो स्कूल की छुट्टी हुई है, आ रहे हैं, बारिश चल रही है, इधर गार्डन वगैरह है, और यहाँ से बस सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है, वही है। बाकी चलो आगे चलते हैं, और अभी बाइक रेंट भी करूँगा तो मैं आपको वो भी बता ही दूँगा कि आप बाइक रेंट कैसे कर सकते हो यहाँ। तो इस होटल के साथ क्या है, रेस्टोरेंट भी आपको यहीं मिल जाएगा, तो डाइनिंग है पूरा, आप खाना वगैरह खा सकते हो, होटल गुजराती है, और आप रूम में भी मंगा सकते हो, सेम ही प्राइजेज है, तो ये एक प्लस पॉइंट है इस होटल का। और मेन रोड पर ये प्राइजेज रिजनेबल है और फैमिली फ्रेंडली है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और तो दिखाऊँ तो ये होटल गुजराती यहाँ लिखा हुआ है, इधर स्कूल है, और ये वाला मेन रोड है, ये सर्कल है, तो यहीं पर आपको ये होटल गुजराती मिल जाएगी। भाई डोमिनोज आ गए, अभी थोड़ा सूख कर फिर खाते हैं, और बारिश तो भाई लगातार हो ही रही है। भाई ये वॉल्केनो पहली बार ट्राई कर रहा हूँ मैं, अभी नया आया है इनका, देखते रिव्यू भी कर दूंगा मैं डोमिनोज का, ठीक है। हमने एक्टिवा रेंट करी थी विनायक स्कूटर्स वालों से, और काफ़ी रिजनेबल प्राइस पे हमारे को ला कर के दे दी इन्होंने बारिश के अंदर भी। तो भाई जब भी आप एक्टिवा लो एक बार उसकी चारों तरफ से वीडियो बना लेना, ताकि कोई भी स्क्रैचेस हो तो आपके ऊपर वो कुछ ना बोल सके, या कोई भी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज आपसे ना ले सके। उसके बाद ये कुछ हम शाम का टाइम था, बारिश रुक नहीं रही थी, तो हम आ गए थे नक्की लेक, तो ये उसके कुछ आपको टाइम लैप्स आप इंजॉय कीजिए। चलिए हम मिलते हैं आपसे शाम को। नक्की लेक देखने के बाद हम वापस से आ चुके थे अपने होटल में, और थोड़ा सा हम रेस्ट ले रहे थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग करके हम आए थे, और ये हमारा था डे नंबर 1। तो ये कुछ टाइम लैप्स हमारे होटल की छत पे से लिए गए हैं, जिसमें काफ़ी प्यारे बादल वगैरह जा रहे हैं और गाड़ियाँ वगैरह आपको दिख रही है। उसके बाद फिर हम वापस से नीचे गए और कुछ फ्रेंड्स टॉक आराम से झूले पर बैठे, और काफ़ी लंबी यहाँ पर करी हमने बातें, और उसके बाद आगे बने रहिए व्लॉग में, चलते हैं आगे। तो भाई फाइनली अभी शाम की बज रही है 5:30, बारिश थोड़ी कम हो गई है, तो अब हम निकल रहे हैं पहली बार एक्टिवा लेके कहीं घूमने। और चलो ये एक्टिवा हमने रेंट करी थी विनायक वाले से, आप यहाँ पर देख सकते हो, और 500 रुपये 2 दिन के लिए। आगे ठीक है चलो घूमते थोड़ा।
तो भाई बारिश बंद होती नहीं है यहाँ, आती रहती है, अभी देख सकते हो उधर ऊपर की तरफ में बारिश चल रही है, उधर बारिश चल रही है, अभी यहाँ रुकी है पर वापस आ जाएगी। अभी मौसम ऐसा ही चल रहा है भाई, हम सोच रहे हैं अब निकले होटल के बाहर, पर निकले फाइनली। अब देख सकते हो पूरा कवर हो चुका है वापस माउंटेन बादलों में। बाकी ये नक्की लेक का गार्डन है पूरा चारों तरफ, यहाँ पर आप आ सकते हो घूमने के लिए, यहाँ पर कुछ शॉप्स वगैरह है। बाकी बारिश के कारण बोटिंग तो बंद कर रखी है क्योंकि ओवरफ्लो है नक्की लेक, अभी इसकी चादर भी चल रही है, चादर बोले तो निकाल रहे, पानी खाली कर रहे इस लेक का। बाकी देख लो उधर सामने की तरफ भारत माता मंदिर है ये वाला, बाकी क्या क्लाउड्स जा रहे हैं भाई, धूप आ गई वापस, धूप चली गई, यही चल रहा है। और ये गार्डन है पूरा, अभी तो बारिश ही चल रही है भाई, सही है भाई, हर चारों तरफ गीला ही गीला। ये पूरा पार्क बना हुआ है नक्की लेक के किनारे पे, सामने बंदर है, अरे इधर भी है भाई, एक पेड़ पे बैठे हुए भाई ये लोग, कैमरा ना छीन ले। तो नक्की लेक से हम निकल गए थे हनीमून पॉइंट की तरफ, जो कि एक अति दुर्लभ स्थान में बोलूँगा भाई नेचर का, पहाड़ों के बीच में गिरा हुआ, चारों तरफ पहाड़, वाटरफॉल, नक्की लेक एंड ऑल, काफ़ी ही अमेजिंग नेचर व्यू आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये रास्ते थोड़े से इंजॉय कीजिए, रास्ते ही अपने आप में एक अमेजिंग सी वाइब देते हैं। और भाई मैं वापस से बता दूँ, ये कहीं और नहीं, ये है हमारा राजस्थान। तो जो लोग ये बोलते हैं ना पानी नहीं है भाई, देख लो आपको इस माउंट आबू सीरीज में पानी के अलावा तो कुछ नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए रास्ते इंजॉय करते और आगे बढ़ते हैं हनीमून पॉइंट की तरफ, और बीच में कुछ कुछ जगह मिलेगी वहां पर रुककर उनको भी एक्सप्लोर करेंगे। भाई हम आ गए हनीमून पॉइंट की तरफ इधर, और यहाँ से भी व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है, पूरी नक्की लेक है ये, और क्लाउड्स क्या जा रहे हैं ना, काफ़ी प्यारा लग रहा है। और ये रे भाई हम अभी थोड़ी बात इस पीछे भी है, पीछे में देख सकते हो विजय कम का एक कम मिनिएचर बना के रखा है, और उधर केमल वगैरह है। तो ये जो क्लाउड्स जा रहे हैं ना काफ़ी प्यारा लग रहा है। चलिए अभी आपको थोड़ा सा माउंट आबू के बारे में बता देते हैं। माउंट आबू मेनली मानसून के समय में यहाँ पर बारिश के दौरान यहाँ की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, यहाँ के पहाड़ और झीलें बारिश में और भी खूबसूरत लगते हैं। माउंट आबू में मानसून का मौसम जुलाई से सितंबर के बीच में होता है, इस दौरान यहाँ पर बारिश ज़्यादा नहीं होती, लेकिन बारिश के कुछ छींटे पड़ने के आसपास का इलाका हरा भरा और ताज़ा हो जाता है। यहाँ का मौसम सुहाना रहता है और औसत तापमान 17 से 25 डिग्री के आसपास आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। माउंट आबू में बारिश के दौरान यहाँ के पर्यटन स्थलों जैसे दिलवाड़ा मंदिर, सनसेट पॉइंट और हनीमून पॉइंट, सेंचुरी का मज़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ की नक्की लेक पर वीकेंड पर सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, सुबह के समय धुंध के बीच यहाँ बोटिंग का आनंद लिया जा सकता है, और उसी के साथ साथ आपको ये दुर्लभ रास्ते हरे भरे मानसून सीज़न के दौरान वाटरफॉल्स के बीच में होते हुए आपको यहाँ पर और भी ज़्यादा आनंदित कर देंगे। तो चलिए अब अपन पहुँचते हैं हनीमून पॉइंट, और वहाँ से आपको दिखाते हैं कुछ अमेजिंग नेचुरल व्यूज़।
भाई ये प्लेस हनीमून पॉइंट यहाँ पर एंड हो जाती है। रोड काफ़ी अच्छा रास्ता है, रोड से आओगे बारिश में तो भाई जन्नत लगेगा। बाकी ऊपर से व्यू मिलेगा और भाई ये देख लो रोड, वहाँ वाटरफॉल चल रहा है, आगे वाटरफॉल चल रहा है पूरा बारिश में, बहुत अच्छा लग रहा है ये प्लेस। चलो आगे और ऊपर चलते हैं अपन। यहाँ पर देख सकते हो उधर की तरफ में वाटरफॉल है, इधर ये रॉक और बाकी ये है हनीमून पॉइंट। यहाँ से नीचे जाकर के व्यू है वाटरफॉल का और भाई ये है जन्नत। ये अभी बादल जाते हुए दिख रहे हैं भाई। ऐसा कुछ रास्ता है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है और इधर यहाँ पे वाटरफॉल दिख रहा होगा आपको, काफ़ी प्यारा। लुके थोड़ा आगे से देखते ये इधर से आ रहा है पूरा वाटरफॉल। ये देखो भाई वाटर बहुत तेज आ रहा है यहाँ, और इधर पूरा सिटी व्यू। क्या बोलते हैं कि भाई कैसा लग रहा है? बढ़िया है। वाटरफॉल कैसा है? बहुत बढ़िया है। क्या देखो वीडियोग्राफी चलती हुई भाई, ये बारिश नहीं बंद हो रही भाई, हम भीग ही रहे कब से, जब से आए तब से भीग रहे हैं भाई। तो भाई आज के लिए ये तो लास्ट प्लेस है हमारा, अभी वापस होटल जाके खा पी के सो जाएंगे, रेस्ट करेंगे। कल और आपको मैं माउंट आबू की प्लेसेस दिखाऊंगा, आज तो कहीं नहीं गए, केवल नक्की लेक और हनीमून पॉइंट दिखाया। अभी आगे और भी जगह है तो देखते हैं आगे वाले व्लॉग में, बने रहना व्लॉग में। बाकी मौसम तो ऐसा ही रहने वाला है, ये है माउंट आबू, वेलकम टू राजस्थान। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, हम लेते हैं विदा, मिलेंगे आपसे अगले माउंट आबू के ही ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।